उसमें से आपका ये सब हो गया, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव, और डोर्स हो गया, विंडोज़ हो गया है, एसी एक्सटेंडेड हो गया है। और अब मैं आता हूँ दूसरे कॉलम पे, यानी कि शेप्स पर। शेप ये होते हैं सिंपल लाइंस से ड्रॉ की जाती है, ये सिंपल लाइन है, इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है। और अगर मॉडिफाई पैनल में जाएंगे तो लाइंस के वर्टेक्स मिलेंगे, इन वर्टेक्स को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि शेप आप कैसा भी बना सकते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है। तो लाइंस को मैं डिलीट करता हूँ और अगला शेप रेक्टेंगल लेता हूँ, सिंपली ड्रैग करके खींच कर आपको छोड़ना है, बन जाएगा। और ये लेंथ दिया हुआ है, ये विड्थ दिया हुआ है, और कॉर्नर रेडियस दिया हुआ है, जिससे कॉर्नर स्मूथ हो जाते हैं, ये स्मूथ हो गए इसके कॉर्नर। और इसके बाद आता हूँ मैं सर्कल पर, सर्कल बिल्कुल करेक्ट सर्कल है। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखा जाए तो सिर्फ सर्कल ही बता रहा है। अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है तो राइट क्लिक करूँगा, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करूँगा और वर्टेक्स करूँगा, और इसको थोड़ा सा नीचे रखूँगा और बीजियर कॉर्नर करूँगा। बीजियर कॉर्नर करने के बाद में ये शेप को थोड़ा सा ऊपर उठा रहा, मैं हार्ट का शेप बना रहा हूँ एक्चुअली, इस तरीके से ये मैंने बना लिया है। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इसको कॉर्नर कर देता हूँ, तो ये हार्ट का शेप बन जाता है, एक सर्कल से बनाया है ये। उसके बाद मैं एलिप्स लेता हूँ, ये अंडाकार भी बन जाता है और सर्कल भी बन जाता है। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ दी हुई है, लेंथ और विड्थ दी हुई है। अगर दोनों को समान करेंगे, एक दिशा करेंगे 100 और यहाँ पर भी 100 कर देंगे, तो एक करेक्ट सर्कल बन जाएगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और आर्क देखता हूँ, आर्क बहुत ही काम की चीज़ होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाऊँगा और छोड़ दूँगा, और उसके बाद में ये ऐसा कर्वी में लाइन को बना सकता हूँ इस तरीके से, और ये काफ़ी काम में आता है। और डोनट, दो सर्कल इसमें बनते हैं डोनट इस तरीके से, और एनगॉन, ये पॉलीगॉन जैसा ही है एनगॉन, और इसकी साइड्स भी बढ़ा सकते हैं, रेडियस भी बढ़ा सकते हैं और कॉर्नर रेडियस भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो कॉर्नर में भी रेडियस आ गई है। अगला लेता हूँ एनगॉन, सॉरी स्टार, स्टार को आप ऐसा भी कर सकते हैं बाहर की तरफ और ऐसा अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैक्सिमाइज करता हूँ मैं, और यहाँ पर आता हूँ, इसकी रेडियस 1 है ये बाहर वाली रेडियस, ये अंदर वाली रेडियस 2 है, और इसके पॉइंट्स हैं 6। और डिस्टॉर्शन अगर मैं करता हूँ तो इसमें का कुछ सर्कल, इसमें का ट्विस्ट हो जाता है ये, और फिलेट रेडियस किया और फिलेट रेडियस 2 किया, तो इस तरीके से ये काम करता है। ये स्टार से बना हुआ था। और अब मैं स्टार के बाद आता हूँ टेक्स्ट में, टेक्स्ट में क्लिक किया मैंने और इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, यानी कि मॉडिफाई पैनल में जाता हूँ, तो यहाँ से इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, कर्निंग चेंज कर सकते हैं, बीच का जो गैप होता है वो, और लीडिंग यानी कि एंटर अगर आपने दिया है तो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, और बाकी सब सिंपल है। ये अलाइन के लिए, सेंटर अलाइन के लिए ये सब है, जब आप पैराग्राफ बनाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये फॉन्ट दिया हुआ है,
फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और अगर मैं रेंडरिंग में जाता हूँ तो इसमें मुझे ये दोनों ऑप्शन ऑन करने पड़ेंगे। अगर इसको थोड़ी सी मुझे लाइन के ऊपर थोड़ा सा लाइन को मोटा करना है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा इस तरीके से, तो ये हो जाता है एक फॉन्ट के लिए, या फिर कोई भी शेप हो उसके लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। और हेलिक्स, हेलिक्स ऐसा होता है, और हेलिक्स में अगर मैं हेलिक्स को भी ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो भी मोटा दिख रहा है, और रेडियस 1 ये हो गया, रेडियस 2 ये हो गया ऊपर वाली, और हाइट और टर्न्स ये देखिए कितने सारे टर्न्स इसमें आ जाते हैं सेम साइज में, और बायस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जैसा भी आपको शेप चाहिए आप वैसा बना सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ और एग लेता हूँ, ये एग जैसा दिखाई देता है। मैं इस मोटी लाइन का ऑप्शन ख़त्म कर देता हूँ, रेंडरिंग में जा करके दोनों ऑप्शन बंद कर दिए, तो इस तरीके का एग ये बन जाता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर देखा जाए तो लेंथ है और विड्थ है और थिकनेस है और एंगल है, किसी भी एंगल पे इसको सेट कर सकते हैं, बस इसमें इतना ही है। और एक के बाद ये सेक्शन है, सेक्शन में क्या होता है कि एक शेप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस सेक्शन ये उस चीज़ का पार्ट निकाल कर दे देता है हमें, जैसे कि मुझे यहाँ पर रख कर इतना इतना पार्ट चाहिए, मुझे स्प्लाइन में इतना इतना पार्ट चाहिए टीपॉट का, और इसके बाद में क्रिएट शेप अप पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो, और उसके बाद इसको डिलीट कर देता हूँ मैं और टीपॉट को भी हटा देता हूँ, तो ये देखिए जो हिस्सा टीपॉट से कनेक्टेड था उतना इसने शेप बना दिया है। तो ये था सेक्शन का कमाल। और ये फ्री हैंड, फ्री हैंड मतलब फ्री हैंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री हैंड लाइन बना सकते हैं, ये पहले नहीं था, अभी न्यू वर्जन में आया है, ये वर्जन है ये आप देख सकते हैं मैक्स 2022 है, काफ़ी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है ये। और इस लेक्चर में बस इतना ही, आगे बहुत कुछ बाकी है बताने के लिए, तो मैं, और आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, ये औरों के भी काम में आएगा, काफ़ी अच्छा तरीका है मेरा सिखाने का, तो मैं ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।